जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आप लोग यहाँ पर क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप लोग जरूरी देखना पूरा, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं गद्यांश, उन्हीं को बताने वाले हैं कि कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो गद्यांश होते हैं 6 मार्क के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से वाच जरूर करना, तभी समझ में आएगा और आपके 6 मार्क बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और ये जो 6 मार्क होते हैं ये आपके परसेंटेज को बढ़ाते हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है और एक प्रश्न आता है उसको कैसे आपको हल करना है, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, हमारे पास ये वायरल पेपर है, इसी को हल करवाने वाले हैं और इसी में से बताऊंगा उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट गद्यांश है वो भी आपको यहाँ पर करवा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 21वां होगा। क्या लिखा है यहाँ पर कि दिए गए, क्या लिखा है यहाँ पर, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ये पैराग्राफ का वाला है, उसके बाद में यहाँ पर एक देखिए ये पैराग्राफ है खा वाला। इन दोनों में से जो आपको पता है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और एक प्रश्न होगा उसी का आंसर लिखना है, अथवा करके दो आएंगे इनमें से एक ही करना है। इसलिए मैं आप लोगों को जितने कम से कम 6-7-8 बता दूंगा गद्यांश, यही ये पैराग्राफ होते यही आप लोग जो तैयार कर लेंगे तो 100% 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे हमको ये पता है तो कैसे करना, हम लोग कच्ची मिट्टी के की मूर्ति के समान रहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, संदर्भ जब लिख पाओगे, जब आपको पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का नाम मालूम होगा, तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, फिर इसमें जो पॉइंट होते हैं उनसे ही समझना है कि कौन से पाठ से ये लिया गया है। जैसे हम लोग कच्ची मिट्टी की समान के यहाँ पर मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में क्या है करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे यहाँ पर देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमारे यहाँ पर हमें अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी यहाँ पर ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दिशा में ना तो हम हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो इसमें क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो ये किस पाठ से लिया गया, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो कैसे लिखना, 21वें का खावाला है, प्रश्न नंबर 21वें का खावाला, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, काला पेन लेना है, ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर कितना डालना है, 21वां यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर, प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा वैसे ही आपको करना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर अच्छी अच्छी राइटिंग में, और यहाँ पर 21वें का खावाला कर रहे हैं तो खावाला ऐसे कर देना है, ठीक है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। तो पहला क्या है, यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिखने से पहले आपको संकेत डालना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो हम लोग और आखिरी में क्या लिखना है, सहारा रहता है। क्या लिखना है आपको, नीले पेन से हम लोग, हम लोग, उसके बाद में डॉट डॉट करके आखिरी में रहता है, क्या है, रहता है। 2 शब्द आखिरी के और 2 शब्द पहले के आपको लिखना होता है। अब पहली हेडिंग आपको डालना है काले पेन से, रोमन अंकों में जैसे लिखा था, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो हमें पाठ का नाम मालूम हो गया और यहाँ पर कौन सा पाठ है, तो मित्रता नामक पाठ है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले रोमन अंकों में ऐसे कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है संदर्भ, पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है, कोई भी हो। तो कैसे लिखना है, प्रस्तुत, उसके बाद में गद्यांश, ये गद्यांश है जो कहानी नुमा होता है उसको हम गद्यांश बोलते हैं, जो कविता नुमा होता है उसको हम पद्यांश बोलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में हिंदी के, क्या है आपको लिखना है, हिंदी के, अब आपको अपना पाठ का नाम डालना है और ये काले पेन से आपको डालना है, हिंदी के यहाँ पर आपको डालना है मित्रता, मित्रता। उसके बाद में नामक पाठ से, क्या है, पाठ से, और यहाँ पर संकलित है, क्या है, संकलित है, इस प्रकार से, और इसी में लिखना इसके लेखक आचार्य रामचंद्र, रामचंद्र, और यहाँ पर शुक्ल
और जी हाँ, इस प्रकार से अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में पूछा जाता है कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रोमन अंकों में ऐसे दूसरी हेडिंग डाल देना है, यहाँ पर क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो रेखा खींची हुई है इसी की व्याख्या करना है, 1 और 2 और 3 लाइन की, और ये यहाँ पर तक आपको व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो हम लोग कच्ची मिट्टी के समान यहाँ से और यहाँ तक जो भी रेखा खींची है उसी की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की नहीं व्याख्या करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले लिखना है रेखांकित, क्या लिखना है, रेखांकित अंश की यहाँ पर व्याख्या, इस प्रकार से हो गया। अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लेखक कहता है, क्या है, लेखक कहता है की। अब उसके बाद में जो आपको समझ में आए वो लिखने की कोशिश करें, इस भले इसको ऐसे ही उतार कर रख दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे, या कुछ अपने शब्द इसमें ऐड कर दोगे तो पूरे मार्क मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको इसके भी, इसको ऐसे ही उतार कर रख दोगे तभी पूरे मार्क मिलेंगे। मैं आप लोगों को जो बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे ही आपको लेखक कहता है कि बाकी जो ये लिखा है जहाँ तक रेखा खींची है उसी की व्याख्या करना है। कोई भी संदर्भ हो ऐसे संदर्भ लिखना है, यहाँ पर केवल पाठ का नाम ऐड करना है और यहाँ पर आपको लेखक का नाम ऐड करना, बाकी संदर्भ ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा है किन लोगों की संगत करने करना हमारे लिए बुरा है, तो इसमें बता रहा है कि ऐसे लोगों की यहाँ पर संगत साथ रहना बुरा है जो हमारी क्या है, बात को ऊपर रखते हैं, और क्योंकि ऐसी दिशा में ना तो हम यहाँ पर हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो इसी का उत्तर इसी में ये देखिए मिल गया है। तो आपको ऐसे ही दूसरा, ऐसे रोमन अंकों में तीसरी थी हेडिंग ऐसे डाल देना है, बाकी ये मैंने जो बताया ऐसे उत्तर आपको लिख देना, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं करना होता है, ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है, पूरे मार्क मिलेंगे। अब चलते हैं जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं वे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और उतने ही आपको तैयार करना, 100% वही पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला कौन सा पार्ट है, यहाँ पर देखिए पहले आपको मित्रता नामक पार्ट से कौन कौन से आपको पैराग्राफ तैयार कर लेना है, इनको याद कर लेना है। क्या है, पहला पैराग्राफ है यह कोई बात, उसके बाद में मैंने बताया और देखता है, इतना बड़ा पैराग्राफ होगा। मैंने जो पहले संकेत बताया था कि जैसे कोई पाठ है, कोई भी पाठ हो सकता है, तो जैसे ये पाठ है तो यहाँ के 2 शब्द लिखे हैं और आखिरी के 2 शब्द लिखे हैं, बाकी आप लोग देख लेना ये पैराग्राफ कहाँ पर है, यह कोई बात और देखता था, यहाँ तक हो गया एक पैराग्राफ। उसके बाद में मित्र का कर्तव्य धोखा ना होगा, ये वाला पैराग्राफ तैयार कर लेना है। इसमें देखिए मित्र का कर्तव्य धोखा ना होगा, ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ मैंने इसमें भी लिखा है, और हर साल ये आता ही आता है, कोई भी होता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, तीसरा है कुसंग का जोरा, और आखिरी में उठाती जाएगी, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, 100% आता ही आता है, 7 सेट होते हैं तो कम से कम ये 2 या 3 या 4 सेट में आता ही आता है हर साल। अगला है मित्र विश्वास पात्र मित्र और करना चाहिए, तो ये 4 यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से ये आपको 4 पैराग्राफ तैयार कर लेना है। उसके बाद में ममता से कौन कौन से तैयार करना है, हे भगवान बना रही थी, ये पैराग्राफ एक, और उसके बाद में दूसरा है अश्वारोही पास आया और ग्राम में जाती हूँ, ये देखिए अश्वारोही पास आया और आखिरी में ग्राम में जाती हूँ, तो ऐसा पैराग्राफ होगा। अब मैंने शुरुआत के शब्द लिए हैं और जो पैराग्राफ होगा आखिरी के शब्द लिए हैं, बीच में आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना, पाठ का नाम और लेखक का नाम तैयार कर लेना है। तो 2 ये पैराग्राफ हो गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए। उसके बाद में भारतीय संस्कृत से यह एक नैतिक है और आवश्यक हो गया है, ये एक पैराग्राफ हो गया। उसके बाद में अगला है आज विज्ञान मनुष्यों को नियंत्रित, यहाँ पर को भी नियंत्रित भी, तो इतना भी आपको इसको भी तैयार कर लेना, आज मनुष्यों और को नियंत्रित भी, इतना ये पैराग्राफ तैयार कर लेना है। तीसरा है आज हम इसी और आखिरी में और रखेगा, ये 3 हो गए भारतीय संस्करण नामक पाठ से, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो ये 3 लेसन आपको पैराग्राफ तैयार कर लेना है इससे। उसके बाद में आखिरी में आता क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, ये यहाँ पर रचनाकार इसके हैं, लेखक हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो तरुण संसार आखिरी में बना रहता है, ये आपको इतने ही 10 ही तैयार कर लेना है पैराग्राफ।
गद्यांश के तो पूरे आपके 6 मार्क पक्के हो जाएंगे, 100% यही पूछे जाते हैं, इनसे अलग कुछ भी नहीं आता। मैंने जितने भी बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको याद भी कर लेना है। जितने मैंने पैराग्राफ बताया 100% इन्हीं में से पूछे ही पूछे जाएंगे। तो कमेंट करना कि आप किस पर वीडियो चाहे, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैंने बताया संदर्भ जब लिख पाओगे जब आपको पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का नाम, बहुत सिंपल सा होता है संदर्भ भी लिखना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी इसको भी तैयार कर लेना।